अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 216, वॉमिटिंग की वजह। सुजॉय को समझ नहीं आ रहा था कि लैला आखिर क्या करने वाली है, लेकिन इतना जरूर था कि उसकी आंखों से छलकता हुआ कॉन्फिडेंस देखकर उसे कुछ तो अंदाजा जरूर हो गया था। लैला अब कुछ भी करके सुहाना और माया की गलतफहमी जरूर दूर कर लेगी। बस यही सोचकर उसने कहा, देखो लैला, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाली हो, लेकिन इस मामले में तुम जो कुछ भी करोगी, सिर्फ इतना याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उसके लहजे में सच्चाई थी। न जाने क्यों उसकी ये बात सुनकर लैला के होठों पर एक फीकी सी हंसी छा गई और उसने धीरे से कहा, अब आप मेरे साथ तो क्या, मेरे आसपास भी नहीं खड़े हैं सुजॉय साहब, और ना मैं किसी को अपने लिए रोने के लिए कंधा बनने दूंगी। इतने दिनों में मुझे इतना तो जरूर समझ में आ गया कि दुनिया में कुछ भी अपने लिए करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही दम पर करना होगा। आपके आसपास चाहे कितने भी भले लोग क्यों ना हो, कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने होते हैं, क्योंकि भरोसा तो भले लोगों का भी नहीं होता कब कौन कैसे किस मोड़ पर आपका साथ छोड़ जाए। लेकिन इससे बेहतर यही है कि अपने अलावा किसी पर भरोसा न रखा जाए। लैला का तंज सुजॉय को साफ साफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसने जवाब में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने वापसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए लैला से कहा, अभी तुम्हारा इस तरह गुस्सा होना जायज है लैला, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी कहने से रोकूंगा नहीं, लेकिन अब भी यही कहूंगा कि अगर कहीं पर भी लगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो मुझे जरूर कॉल करना। लैला ने धीरे से ओके कहकर उसे बाय किया और सुजॉय वहां से चला गया। लैला उसे दूर तक जाता हुआ देखती रही, फिर उसने जैसे खुद से कहा, मैं जानती हूँ सुजॉय साहब, आपको मेरी बातें सुनकर बहुत तकलीफ हुई होंगी, लेकिन इन सबके पीछे मेरा यही मकसद था कि आपके और मेरे बीच में जो दूरियां होनी चाहिए वो दूरियां बनी रहें। मैं किसी भी तरह से अब आपको अपने करीब नहीं आने दे सकती। मैं अब ऐसा कोई मौका नहीं आने देना चाहती कि उसके लिए मुझे फिर से अपने फैसले पर पछतावा हो। कहकर लैला वापस अपने कमरे में आ गई। अब उसे जल्द से जल्द तैयार होकर निकलना था ताकि वो माया और सुहाना की गलतफहमी दूर कर सके। सोहन को लेकर कुछ ही देर में वो एक दूसरे इलाके की बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। आप कुछ देर यहीं पर वेट कीजिए सोहन भैया, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, कहकर लैला ऊपर चली आई। एक फ्लैट के सामने रुककर उसने डोरबेल बजाया तो कुछ देर बाद दरवाजा खुला। वो घर किसी और का नहीं बल्कि पार्थो के असिस्टेंट डायरेक्टर घोष का था। उसने लैला को देखते ही खुश होते हुए कहा, अरे लैला मैम, आइए आइए, क्या बात है, आप यहाँ आज हमारे दरवाजे पर। कहते हुए उसने लैला को वहीं हॉल में लगे सोफे पर बैठने का इशारा किया। लैला ने मुस्कुराकर बैठते हुए कहा, बात ही कुछ ऐसी हो गई एडी साहब कि मुझे यहाँ तक आना पड़ा। उसके बाद लैला ने टेबल के नीचे पड़े पेपर्स को देखते हुए कहा, कल का अखबार मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, कहकर घोष नीचे झुका और कल का पेपर लैला के सामने निकाल कर रख दिया। लैला ने पेपर खोलकर पेज 3 निकाला और फिर उसे दिखाते हुए बोली, मेरे आने की वजह खबर है। लैला के वो पेज दिखाते ही खुश की नजर उस रिपोर्ट पर पड़ी। उसने वो खबर देखते ही कुछ झुंझुलाते हुए कहा, अरे इन रिपोर्टर्स का भी ना कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता, ऐसे खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, कोई इनसे सीखे। लैला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बस यही खबर एक गलतफहमी की वजह बन गई। कहते हुए उसने माया और सुहाना की गलतफहमी के बारे में घोष को बताया। पूरी बात सुनने के बाद घोष ने कहा, इस मामले में आपको मुझसे कैसी हेल्प चाहिए लैला मैम? तब लैला ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलकर उन्हें ये बताएं कि यह सिर्फ एक मॉक शूट था, कोई प्रॉपर शूटिंग नहीं। घोष ने जल्दी से कहा, हाँ मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लैला ने घोष का शुक्रिया अदा किया और फिर बोली, मैं एक घंटे बाद आपको माया फिल्म्स के सेट के बाहर मिलूंगी, फिर वहां से हम दोनों साथ अंदर जाएंगे। उसने उसे तसल्ली देते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए लैला मैम, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। लैला ने उसे थैंक यू कहा और फिर वहां से सीधे घर आकर सेट पर जाने की तैयारियां करने लगी। लैला के घर से लौटकर सुजॉय अपना बचा हुआ काम करने के लिए
माया के सेट पर ही लौट आया था। माया ने उसे जैसे ही देखा वैसे ही जल्दी से पूछने लगी, क्या हुआ सुजॉय, तुम लैला से मिलने गए थे ना, क्या कहा उसने? सुजॉय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसे लगता है कि वो सही है और तुम लोगों ने उसे समझने में गलती की है, इसीलिए वो अब ऐसे वापस नहीं आना चाहती। सुजॉय की बात सुनकर माया ने हैरान होते हुए कहा, ऐसे वापस आना नहीं चाहती, मतलब कैसे वापस आना चाहती है? तब सुजॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो लैला ही जाने, मैं बस उसके मुंह से ही सुनकर वापस लौट आया कि वो इस तरह वापस सेट पर नहीं आएगी, उसे अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस चाहिए। माया लैला की बातें सुनकर कुछ पल के लिए शांत सी पड़ गई। उसे अभी से ही ऐसा लगने लगा था कि शायद उसने लैला को समझने में कुछ गलती कर दी है। उसने धीरे से कहा, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है, खैर आने तो देखते हैं। कहकर वो अपने काम में बिजी हो गई। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि तभी लैला की गाड़ी सेट पर आकर लगी। उसने उतरते ही वहीं खड़े एक स्पॉट बॉय के हाथों खबर भिजवाई कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में है और माया और सुहाना उसे वहीं आकर मिले। सुहाना और माया को जैसे ही पता चला कि लैला वापस आई है तो वो दोनों ही फौरन कॉन्फ्रेंस रूम में आ गईं। माया ने उसके साथ खड़े शख्स को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, घोष बाबू आप यहाँ? तब घोष ने माया को वो न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहा, हाँ मिस माया, मैं आपसे यहाँ इस खबर के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे लगता है कि कम से कम हम इंडस्ट्री वालों को पेज 3 पर छपी इन खबरों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जिसे इस न्यूज़पेपर ने फिल्म की शूटिंग कहकर छाप दिया है वो सिर्फ एक मॉक शूट था। सुहाना ने घोष को इस तरह बोलते हुए देखा तो फिर उसने उसकी बात काटने की कोशिश करते हुए कहा, तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इतनी बड़ी न्यूज इन्होंने बिना किसी कन्फर्मेशन के छाप दी होगी? सुहाना को ऐसे बोलते हुए देखकर माया ने उसे इशारे से चुप होने के लिए कहा और फिर बोली, मुझे अभी किसी दलील की जरूरत नहीं है घोष बाबू, आप इंडस्ट्री के पुराने असिस्टेंट डायरेक्टर्स में से एक हैं, आपने जो कह दिया मेरे लिए वही बात सच है। फिर माया ने लैला की तरफ मुड़ते हुए कहा, आई एम सो सॉरी लैला, मुझे बिना कन्फर्म किए तुम्हें झूठा नहीं कहना चाहिए था, पता नहीं वो खबर पढ़कर मुझे क्या हो गया था। हालांकि इसका कितना सिंपल सा उपाय था जो अभी तुमने किया, मैं भी अपने सोर्सेस से इस बात की सच्चाई पता लगा सकती थी, लेकिन गुस्से में मुझे भी कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे बस एक ही बात चोट कर गई कि मुझे इनडिसिप्लिन लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और वो खबर पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुमने झूठ बोलकर शूटिंग शुरू कर दी है। I'm really very very sorry, Lela. माया को ऐसे सॉरी बोलता हुआ देखकर घोष ने मुस्कुराते हुए लैला से कहा, आई थिंक अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है मिस लैला, मैं अब चलता हूँ। कहकर वो वहां से चला गया। लैला वहीं खामोशी से बैठी रह गई। तब माया ने उसके पास आकर कहा, चार लोग जब आपस में जमा होते हैं वैसी अनबन होना कॉमन सी बात है लैला, इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से काम शुरू करें। माया की बात सुनकर लैला ने उन दोनों को बारी बारी से देखते हुए कहा, हाँ मैं भी किसी बात को इशू बनाने से बेहतर यही समझती हूँ कि उसके बारे में बातें साफ करके आगे बढ़ा जाए, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मैं आप दोनों से यही कहूंगी कि हाँ मुझे मालूम है भरोसा करना बहुत मुश्किल काम है, वो भी तब जब आप सामने वाले को अच्छी तरह से जानते तक नहीं, लेकिन सिर्फ एक बार किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले या अपना फैसला सुनाने से पहले उसे ये हक जरूर दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बातों को दलील के साथ रख सके। उसे इस तरह बोलता हुआ देखकर सुहाना भी शर्मिंदा सी होकर उसके पास आकर बोली, प्लीज मुझे भी माफ कर दो लैला, मैंने भी गुस्से में आकर पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया, हमसे गलती हुई है, हमें तुम्हारी बात भी सुननी चाहिए थी। उसकी बात के जवाब में लैला ने कहा, मैं अगर ये कह दूं सुहाना कि तुम दोनों की माफी से मेरा दुख कम हो गया है तो ये गलत होगा, मुझे इस बात का दुख अभी भी है। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि मैंने जो अपना आत्मसम्मान खोया था वो अब एक बार फिर पूरी मजबूती से मेरे साथ है, और आइंदा के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझसे कोई भी शिकायत हो तो तुम मुझसे पूछो, लेकिन इस तरह इल्जाम लगाकर नहीं। अभी तक उन तीनों की बातें चल ही रही थी कि तभी सुजॉय ने आकर कहा, बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं? सुहाना ने उसे देखते ही उसके पास जाते हुए कहा,
जी भाई बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम दोनों वाकई में लैला पर लगाए? अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इल्जाम का प्रायश्चित करना चाहती हो? सुजॉय की बात सुनकर लैला ने झट से कहा, नहीं नहीं सुजॉय साहब, मुझे किसी से कोई प्रायश्चित नहीं करवाना। माया ने उसे शांत रहने का इशारा करते हुए सुजॉय से कहा, हाँ हम वाकई ऐसा करना चाहते हैं, तुम बताओ कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे मन का बोझ हल्का हो सके। सुजॉय ने उन तीनों को देखते हुए कहा, इतने दिनों में तो तुम लोगों ने भी ये वॉच किया है, कितनी सारी उलझनों में घिरे होने के बावजूद लैला ने तुम्हारी फिल्म की शूटिंग में कभी भी कोई कोताही नहीं की, ना दूसरे आर्टिस्ट की तरह कभी लेट से पहुंची, ना किसी और बात में तुम दोनों को किसी भी तरह से परेशानी का सामना करवाया, ये बात तो मानती हो ना तुम दोनों? माया और सुहाना ने सिर हिलाते हुए हामी भरी तो सुजॉय ने आगे कहा, तो अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि लैला के लिए अपनी ये कंडीशन हटा लो, और अब वैसे भी तुम्हारी फिल्म की शूटिंग हफ्ते 10 दिन की बाकी होगी, लैला को पार्थो की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने दो। सुजॉय ने अपनी बात पूरी की तो लैला हैरान होते हुए उसका चेहरा देखने लगी। उसे गुमान में भी नहीं था कि सुजॉय इस बात को इस तरह से इस्तेमाल करेगा। अनचाहे ही उसके होठों पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। तब माया ने कहा, सच कहूं तो मेरे अपने मन में भी यही बात चल रही थी कि अब जब तुमने ये बात कह ही दी है तो फिर मुझे परमिशन दे ही देनी चाहिए, तो मेरी फिल्म की शूटिंग के अलावा और जो कुछ भी करना चाहो लैला वो कर सकती हो। माया की बात सुनकर सुहाना ने भी लैला के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, हाँ लैला, तुम्हें कोई और फिल्म करने से मना करने के पीछे हमारा सिर्फ इतना सा ही कंसर्न था कि ये फिल्म हम दोनों का पहला प्रोजेक्ट है, इसीलिए हम ये चाहते थे कि यहाँ का एक एक क्रू मेंबर पूरे डेडिकेशन के साथ इस फिल्म के लिए काम करे। लैला ने जब माया और सुहाना को इस तरह शर्मिंदा होते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, तो आप शूटिंग शुरू करें। लैला को इस तरह डायरेक्टली पॉइंट पर आते हुए देखकर माया और सुहाने के साथ साथ सुजॉय को भी हंसी आ गई। सुजॉय शाम को घर आने के बाद जब तैयार होकर दोबारा घर से बाहर निकलने लगा तब लतिका जी ने उसे टोकते हुए कहा, ये कहाँ की तैयारी है? सुजॉय ने वही टेबल पर पड़ी अपनी कार की चाबी उठाते हुए कहा, जेनी की एक सीनियर हमारी सगाई पर नहीं आ पाई थी, जेनी ने आज उन्हें मुझसे मिलवाने के लिए डिनर का प्रोग्राम बनाया है, वहीं जा रहा हूँ। सुजॉय के जेनी से मिलने जाने का सुनकर लतिका जी कुछ खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ। सुजॉय उन्हें बाय कहता हुआ वहां से निकल गया। रेस्टोरेंट पहुंचकर उसने देखा कि जेनी वहां पर पहले से ही रिजर्व टेबल पर किसी के साथ बैठी हुई है। सुजॉय ने उनके पास जाकर हेलो कहा तब दोनों ने ही उसे खुश दिली से ग्रीट किया। फिर जेनी ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया तो डॉक्टर तानिया ने कहा, जेनी मेरी बच्ची की तरह है, उस वक्त इंडिया में ना होने की वजह से इसकी एंगेजमेंट में शामिल नहीं हो सकी थी, इसीलिए सोचा कि अब लौट कर आई हूँ तो मिल ही लूं। बाय द वे ये तुम दोनों का गिफ्ट। कहते हुए उन्होंने साइड में रखा हुआ एक बुके और दो बॉक्स उन दोनों की तरफ बढ़ाया। सुजॉय ने उन्हें मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और तब जेनी बोली, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए मैंने पहले ही ऑर्डर कर लिया था, तुम्हें अगर और कुछ चाहिए होगा तो मंगवा लेना। सुजॉय ने धीमे से ओके कहा ही था कि तब तक वेटर ऑर्डर लेकर चला आया। वेटर के सर्व करके जाने के बाद जेनी एकदम से खाने में बिजी हो गई। हल्की फुल्की बातों के दौरान सब अभी डिनर कर ही रहे थे कि तभी जेनी ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहा, ओ गॉड, मुझे वॉमिटिंग टेंडेंसी क्यों लग रही है अभी। कहते कहते उसे उबकाई सी आई और वो भागती हुई वॉशरूम की तरफ गई। डॉक्टर तानिया भी उसके पीछे पीछे जाते हुए बोली, मैं देखती हूँ उसे। सुजॉय भी ये सब देखकर कुछ घबरा सा गया, लेकिन कुछ ही देर में दोनों वापस आई तो जेनी काफी निढाल सी लग रही थी। सुजॉय ने धीरे से पूछा, यू ओके? जेनी ने कमजोरी की हालत में सिर हिलाते हुए कहा, अब ठीक है। तभी डॉक्टर तानिया ने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हें ऐसे खाने के दौरान वॉमिटिंग करते हुए देखकर मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि लोगों को शादी के बाद ऐसे वॉमिटिंग आती है और तुम्हें एंगेजमेंट के बाद आने लगी है। डॉक्टर तानिया की बात सुनकर सुजॉय और जेनी दोनों ही कुछ चौंक से गए। क्या डॉक्टर तानिया की बात
जल्द ही सुजॉय को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देगी। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।